आज मैं गेहूं के आटे से बनाने जा रही हूं एक नमकीन या मठरी। इसे आप आसानी से घर पे बना के स्टोर करके एक महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा पाउडर। फिर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, यदि आपको अच्छा लगता है तो डालिए नहीं तो नहीं भी डालिए। और इसको खस्ता बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी या तेल, ऐसे घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सबको डाल के और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे, थोड़ा कड़क ही। देखिए कुछ इस टाइप से, ज़्यादा कड़क भी नहीं चाहिए पर थोड़ा कड़क चाहिए। और अब इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब 15 मिनट हो चुका है तो अब हम इसके लोइयां बनाएंगे। ऐसे इसको थोड़ा मसल मसल के अच्छे से लोइयां तैयार कर लेंगे, देखिए इस टाइप से। और अब इसको हम थोड़ा सा तेल लगा के पतला एकदम बेल लेंगे। और अब इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल, जो भी आप तेल यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल वही। और इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा अच्छा टेस्टी बनाने के लिए। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डाल के अब हम इसको अच्छे से ऐसे रोल करेंगे। इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे ऐसे हाथों से और अब इसको हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये कुछ इतने बड़े साइज में ऐसे काट लेंगे। और अब इसको हम ऐसे चपटा कर देंगे। और चपटा करने के बाद हम इसको हल्का बेल लेंगे। देखिए अभी कैसे मसाले पूरे अंदर अच्छे से एकदम दिख रहे हैं। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, जो भी तेल आप यूज करते हैं खाते हैं। और जब गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे अपना मठरी या नमकीन जो भी बोलिए। और हम इसको एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तभी अच्छे से क्रिस्पी होगा। देखिए ऐसे एकदम कलर आ जाए जब प्रॉपर, तब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए लग रहा है ना एकदम कितना अच्छा। देखिए मेरी मठरी एकदम बन के रेडी हो गई है। ये काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी होता है, आप इसको बेफिक्र होकर खाइए क्योंकि ये मैदे से नहीं आटे से बना है। तो आप भी बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही इजी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए होम सेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।